असलम एंड लेट्स गेट राइटिंग आज हम बात करेंगे पोइट्री की अब पोइट्री जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्ट फॉर्म दट दर इज़ एंड आई से आर्ट विद ग्रेट क्लैरिटी ऑफ माइंड दैट आई वॉन्ट टू यूज़ दिस वर्ड आर्ट कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग पोइट्री में सबसे ज़्यादा आर्ट इस्तेमाल हुआ जाता है यानी कि अपना एक सेल्फ स्टाइल अपना एक एक्सप्रेशन और जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी Ho sakti hai, wo poetry ki form mein hoti hai. So if we look at what is the meaning of uh, or definition of poetry or how people define it, the spontaneous overflow of powerful feelings is what Emily Dickinson said about poetry. If I read a book, it makes my body so cold no fire ever can warm me. I know that that is poetry. And Dylan Thomas defined poetry this way. पोइट्री इज़ वॉट मेक्स मी लाफ और क्राई और यौन वॉट मेक्स माई टोनल्स ट्विंकल वॉट मेक्स मी वॉन्ट टू डू दिस और दैट और नथिंग यानि कि बे इंतः आपके अंदर से इमोशन् जो हैं वो आ रहे होते हैं या निकल रहे होते हैं तो फिर जब हम पोइट्री की आगे बात करते हैं डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हमें ये नजर आता है कि जो इसका एक सेंट्रल पॉइंट वो ये है कि इट यूज़ लेस वर्ड्स टू कन्वे मोर फीलिंग्स जितनी ज़्यादा हम इकानमी इस्तेमाल करते हैं पोइट्री के लिए या लिखने में पोट पोइटिक एक्सप्रेशन में उतनी ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि हम फीलिंग्स उसके साथ कन्वे करें फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटी इज़ ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी देट इज़ ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो ये छोटी सी लाइन है मगर इसमें आपने पूरी दुनिया की खूबसूरती जज्ब कर दिए। इस दुनिया में जो जो चीज़ें आपको ख़ूबसूरत लगती हैं और आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी कि दुनिया जो है वो ख़ूबसूरती के बारे में है इससे इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है और ये आपने तीन सेंटेंसेस मैक्सिमम में शायर ने कह दी तो इसीलिए इसी, इसी जब हम पोइट्री पढ़ते हैं या पन, समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि शायर ने कहा और फिर एक लंबी तशरी जो है उसकी चलती चली जाती है मगर जो पोइट्री इट सेल्फ होती है वो बहुत छोटी और सिंक्ट होती है पोइट्री इज़ आर्टिस्टिकली रेंडरिंग वर्ड्स टुगेदर यानी कि उसमें इंतहा से ज़्यादा इंटेंस इमोशन होता है और एक एक्सपीरियंस होता है जो रीडर जो है वो अपने छः के छः से सेंसेस इस्तेमाल करके और कभी कभार अपनी सातवीं सेंस इस्तेमाल करके फील कर रहा होता है और उसको जिस तरह हम लिखते हैं जिस तरह फॉर्म करते हैं जिस तरह हम बात करते हैं वो एक पोएटिक तरीका हो जाता है एक आर्टिस्टिक फॉर्म लेता है और उसमें डेप्थ ऑफ मीनिंग आना शुरू हो जाती है सो आई शेयर सम टाइप्स ऑफ पोएट्री विद यू एंड यू कैन लेटर ऑन रिसर्च मोर अबाउट देम इफ़ यू वांट, बट फॉर नाउ आई जस्ट शेयर द डिफरेंट टाइप्स दैट वी हैव इन पोएट्री हमारे पास फ्रीवर्स है यानी कि इसमें कोई रिदम राइम का मीटर इन चीज़ों का ख्याल नहीं होता एक फ्री uh, वर्स के तौर पे चलता है हाइकू हाइकू पोइट्री है और ये खास तरीके से लिखी जाती है इसका रिदम राइम होता है आप uh, देखेंगे ऑनलाइन तो आपको इसके बारे में ज्यादा पता चल जाएगा इफ दिस इज समथिंग दैट समस्ट यू सोनेट्स इज द मोस्ट यूज इन स्पेशली फॉर रोमांटिक नॉवल्स जब हम वी वॉन्ट टू टेल समबडी वी लव दम देन वी यूज दिस सोनेट फॉर्मैट ब्लैंक वर्स इसमें भी आपके पास uh, थोड़े से फॉर्म uh, होता है मगर बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं होता मगर आप जिस तरह लिखते हैं लफ्ज़ों को जोड़ते हैं वो पोएटिक होते हैं लिमरिक लिमरिक इज़ ए फ़नी फॉर्म ऑफ पोएट्री और लिमरिक के बारे में हम आगे जाके ज़रा एक अलग uh, जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसमें भी बात करेंगे क्योंकि आजकल क्रिएटिव राइटिंग की जॉब्स जो हैं वो लिमरिक में काफ़ी मिलते हैं चानका विच इज़ अनादर फॉर्म कि इज दिस इज़ अ

नारीटिव को यानी कि कहानी को एक पोएटिक तरीके से बताते हैं और शेक्सपियर जो है वो नारीटिव और एपिक कपलेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स वर्ड जो है वो सॉनिक्स भी इस्तेमाल करते हैं और एपिक uh, कपलेट्स uh, या नारीटिव भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो बहुत सारे इंग्लिश या उर्दू के uh, मशहूर शायर हैं वो इसी इन्हीं फॉर्म्स में से कोई ना कोई फॉर्म इस्तेमाल करते हुए पोइट्री लिखते हैं एज ए फ्री पोइट्री यू विल हैव टू यूज यू कैन यूज़ इन मेनी वेज़ जिंगल्स लिखने के लिए लिमरिक्स लिखने के लिए बहुत सारे जॉब्स हैं पोट्री को एडिट करने के लिए बहुत सारे जॉब्स हैं आपके जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं या जो और इंटरनेट पे कंटेंट लिखा जाता है सोशल मीडिया के लिए लिखा जाता है उसमें पोट्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो राम एंड रिदम का ख्याल रखिए जो uh, मुख्तलफ़ किस्म के पोइटिक फॉर्म्स हैं उसमें ए बी ए बी के फॉर्म्स होते हैं ए बी बी के फॉर्म्स होते हैं ये सारी चीज़ों का टोन टोनालिटी लैंग्वेज खूबसूरती इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और पोइट्री लिखें अपनी ज़िंदगी से एक्सपीरियंसेस को लेकर और उन्हीं को एक पोटिक फॉर्म में लेकर लिखिएगा तो आपको पोइटरी से फ़ायदा भी होगा और आगे जॉब्स में भी आपको हेल्प करेगा थैंक यू